नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नीलम सूर्या और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के पांचवें दिन भी सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही चली शांतिपूर्ण। इस दौरान कई विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे। हिमाचल में पड़ोसी राज्यों से सीमेंट के दाम ज्यादा होने का मुद्दा वीरवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में गूंजा। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच तीखी नोकझोंक। मणिमहेश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु सड़क हादसे का हुई शिकार, दो लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस का कहर, अब तक 6 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में बरसात थमने से लोगों को मिले राहत, बिलासपुर में बने भाखड़ा डैम के जलस्तर में आई गिरावट, जिससे सतलुज दरिया किनारे बसे लोगों को मिले राहत। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम पर्यटन इकाइयों का विनिवेश करेगा, जिसको लेकर कवायद भी शुरू हो चुकी है। मामले को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में होगी आयोजित। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में कुदरत का कहर जारी, भारी बारिश ने छीनी गरीब परिवार के आशियाने, सरकार की तरफ से नहीं मिली कोई सहायता। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कल फिर से जताई बारिश की संभावना, हालांकि राज्य की दर्जनों सड़कें अभी भी बंद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पुनः मॉनसून सक्रिय होगा। कुल फाट रही ज्वालामुखी बस स्टैंड में लगी LCD, लोगों को नहीं मिल रहा इसका उचित लाभ। कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में स्थानीय दुकानदारों ने सरकार से की उचित सुविधा देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के पांचवें दिन भी सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली। इस दौरान कई विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे। वहीं कुसुमटी के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री से पूछा कि हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में सरकार डिजिटल एंजियोग्राफी मशीन कब ला रही है और कब तक लगा दी जाएगी। साथ ही IGMC में कैंसर अस्पताल की इमारत पर भी सवाल पूछा गया। हिमाचल में पड़ोसी राज्यों से सीमेंट के दाम ज्यादा होने का मुद्दा वीरवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में गूंजा। इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर और पूर्व उद्योग मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री आमने सामने आ गए। दोनों में तीखी नोकझोंक हुई। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वाहनों का भांडा पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है। इसके अलावा खुले बाजार में पाकिस्तान से सीमेंट की सप्लाई बंद होने से भी खतरा है। राज्य सरकार कंपनियों से वार्ता करेगी और इसमें कमी लाने का पूरा प्रयास करेगी। मणिमहेश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 7 श्रद्धालु घायल हैं, जिन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा शुक्रवार सुबह हुआ है। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में धारा 279-304A के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पंजाब और जम्मू कश्मीर के श्रद्धालु स्कॉर्पियो में सवार होकर चंबा की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे थे। इस दौरान चंबा से 20 किलोमीटर की दूरी त्रांडा में पुलिस चौकी के पास इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस का कहर बढ़ता जा रहा है। सूबा में इस बीमारी से 6ठी मौत हुई है। शिमला के IGMC अस्पताल में एक और महिला ने दम तोड़ दिया है। महिला शिमला के रोहड़ू की रहने वाली है। बता दें कि अब तक सभी मौतें शिमला के IGMC में हुई है। जानकारी के अनुसार शिमला के रोहड़ू की सुनीता को गंभीर हालत में IGMC लाया गया था। मेडिसिन वार्ड में महिला को भर्ती किया गया था और इस दौरान उनकी मौत हो गई है। बिलासपुर के प्रसिद्ध भाखड़ा डैम के फ्लड गेट अभी भी 4 फीट तक खुले हैं। फ्लड गेट जो पिछले दिनों से 8 फीट तक खुले थे, उनको BBMB प्रशासन की ओर से 4 फीट तक किया गया है। BBMB प्रशासन को पिछले 2-3 दिनों से बारिश थमने के कारण भाखड़ा डैम के जलस्तर में काफी गिरावट नजर आई है। जहां मौसम बदलता जा रहा है, उसकी वजह से इन फ्लड गेट को कम किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौजूद बेशकीमती पर्यटन इकाइयां निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। इसको लेकर बकायद भी शुरू हो गई है। इसके लिए निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। आगामी नवंबर माह में धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सकता है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की चयनित पर्यटन इकाई का विनिवेश किया जाएगा। इन्वेस्टर मीट 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में आयोजित होनी है। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र रोहनाट उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत जरवा में हुई भारी बारिश का कहर एक गरीब परिवार पर बरपा है। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के चलते सानिया राम के घर के आगे जमीन धस गई है, जिसके चलते घर के ढहने का भी खतरा बना हुआ है। अब हालत ये हो गई है कि उक्त परिवार का छोटा सा आशियाना गिरने की कगार पर है।
उक्त परिवार ना तो सरकार की तरफ से कोई मदद ले पा रहा है और ना ही पंचायत उन्हें सहायता दे रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के 24 अगस्त से दोबारा सक्रिय होने की संभावना है। 28 अगस्त तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बादल खूब बरसेंगे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दोपहर बाद शिमला जिले सहित कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 500 से ज्यादा सड़कों को खोलने में अभी भी काफी दिनों का समय लगेगा। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी बंद सड़कों को खोलने में लगे हुए हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि अगले कुछ 24 घंटों के दौरान पुनः मानसून सक्रिय होगा। ज्वालामुखी बस स्टैंड में लगी हुई LCD बीते कुछ दिनों से बंद होने के चलते धूल फांक रही है। हैरानी की बात तो ये है कि ज्वालामुखी बस स्टैंड में 2 LCDs लगी हैं, लेकिन उक्त विभाग का कोई भी कर्मचारी इनकी सूद लेने नहीं आया। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में आए दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, जिन्हें LCD बंद होने के चलते बस स्टैंड पर गंतव्य पर जाने की जानकारी नहीं मिलती है। वहीं स्थानीय लोगों ने इन LCD के ठीक करने की भी मांग उठाई है।